हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आपको मैं स्वागत करता हूँ मेरे लेट्स प्ले पोकेमॉन लास्ट फायर रेड में। और मैं हूँ आपका दोस्त गेमर स्काई। पिछले दो एपिसोड तो विदाउट वॉइस ओवर थे। कुछ कम्युनिटी पोस्ट में से आपके साथ डिस्कस करने के बाद मैंने तय किया कि अभी मैं इस गेम को वॉइस ओवर दूंगा। तो एक्चुअली एक ऑलरेडी पोस्ट हो चुका था वीडियो, दूसरा रिकॉर्डेड भी था, एडिटेड भी था, तो इसलिए मैंने वो पोस्ट डाल दी कि सेकेंड पार्ट भी विदाउट वॉइस ओवर रहेगा, बाद में वॉइस ओवर दूंगा। तो आज के इस तीसरे पार्ट से हम वॉइस ओवर देना चालू करेंगे। पिछले दो एपिसोड में हमारे अपनी जर्नी पैलेट टाउन से स्टार्ट की थी। हमारे बहुत सारे राइवल यहाँ पे हमने देखे, जैसे कि हमारा ओरिजिनल राइवल जो रहता है गेम में, उसको हमने नेम दिया था शॉन, जो कि मेरा एक डिस्कॉर्ड फ्रेंड है। उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। बाद में हम लोगों ने रिची से मिले, फिर एश केचम, फिर हम ब्रैंडन से मिले विरिडियन फॉरेस्ट में। हम लोगों ने टोटेम रैटिकेट से बैटल भी किया, हमारा पहला जी क्रिस्टल के लिए, जो कि है नॉर्मेलियम सी। हमारे तीनों स्टार्टर्स, एक स्टार्टर था, दो स्टार्टर पकड़े थे, सब इवॉल्व हो चुके थे पिछले ही एपिसोड में। तो आज हम एग्जिट के तरफ खड़े हैं, विरिडियन फॉरेस्ट के और प्यूटर सिटी की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लेवल अप्स दिखा देता हूँ। लेवल अप्स है सब लोग 20 पर, फ्रोगाडियर, क्विलावा और आईविसोर। और क्विलावा होल्ड कर रही है नॉर्मेलियम सी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, रेडियन फॉरेस्ट से निकलते हैं अभी। और आप लोग ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, कम्युनिटी पोस्ट हो गई, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, आपने अच्छा रिस्पांस दिया कि ये ग्लीच है, वो ग्लीच है, संभाल के खेलना, हम संभाल के खेलेंगे। फिर भी चलिए शुरू करते हैं। ऑल द मोस्ट ऑफ पीपल वुड से इलेक्ट्रिक टाइप्स आर अगली, आई थिंक दे आर इंस्पायरिंग। ठीक, वे कुछ जाने तो नहीं दे रहा हमें आगे। ओह, ब्रॉक और मे, सो यू हैवंट सीन दिस ट्रेनर? नो, आई हैवंट सीन इट, बट यू कैन चेक द पोकेमोन सेंटर और मे बी टू द म्यूजियम। हैलो, हैवंट यू सीन अ ट्रेनर विथ वाइट हेयर? ट्रेनर विथ वाइट हेयर? नहीं। वॉट, डिड यू सी हिम इन द फॉरेस्ट? ब्रैंडन? ब्रैंडन का वाइट हेयर तो है ही नहीं। ओके, डिड यू सी हिम इन द फॉरेस्ट? यस, हिज नेम इज ब्रैंड। आई वॉट, ब्रैंडन डजेंट हैव वाइट हेयर, यू इडियट। व्हाइट हेयर हमारे यहाँ बुढ़े के होते हैं। ब्रैंडन के शायद ब्राउनिश हेयर है ब्रैंडन के। इट्स माई फ्रेंड एंड एट द सेम टाइम माई राइवल। वॉट, यू ऑल्सो वॉन अगेंस्ट हिम इन बैटल? वो आई थिंक यू आर अ ट्रेनर हु डिजर्व्स टू बी अ राइवल, सो प्रिपेयर फॉर बैटल। चलिए अब मैं से भी बैटल कर लेते हैं। पिछली बार ब्रैंडन हो गया, अब मैं टॉर्चिक के साथ जाएगी। ये गेम की डिफिकल्टी ना मुझे बहुत पसंद है। जितने लेवल के तुम्हारे पोकेमॉन, उतने लेवल के ओपोनेंट के पोकेमॉन, ये मुझे पसंद है। अब विवियन यूज कर रही है, विवियन बग टाइप है। हाँ, बग टाइप है। क्विलावा के साथ जाऊंगा मैं। ओहो, एक अलग सा फॉर्म, फ्लेम विल भी सीखा है और लाइट स्क्रीन स्पेशल डिफेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, पोशन यूज करेगी, मालूम था। एक एम्बर और फ्लेम विल से खा, साई बीम। अच्छा है, कन्फ्यूज नहीं किया। ठीक है, फ्लेम विल से ख़त्म कर दिया हम लोग ने, बहुत अच्छा एक्सपी मिला रहे। I told you that you deserve to be a rival. 1400 रुपये मिले। I'm sorry, I forgot to tell you my name. I am May. कैपिटल होना चाहिए एक्चुअली, वो गलती हो गई है क्रिएटर से। एंड आई एम फ्रॉम द होइन रीजन। प्रोफेसर बर्च सेंट मी हियर टू गिव ब्रैंडन अ डिवाइस ही फॉरगॉट इन द लैब। यू वॉन्ट टू नो वॉट इज दिस डिवाइस? इट्स अ डेक्स नैप। इट्स एन एप्लीकेशन हु हेल्प द ट्रेनर विद इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइल्ड पोकेमॉन एंड अलाउज टू सर्च फॉर स्पेसिफिक पोकेमॉन। आई थिंक आई शैल गिव यू वन। It's mine, but I don't need it. It can help you in your adventure. I'm going to go to the Pokemon Center to wait for Brandon. Bye bye. टेक्स नया मिल चुका है हम लोग को। वे यूज़ कैसे करते हैं मुझे इतना मालूम तो नहीं है, आपको शायद मालूम रहेगा तो मुझे बता देना। पोकेडेक्स। ओके 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 ओके। टूल्स आया है ग्रास में आने के बाद ना, स्टार्ट बटन दबाइए, टूल्स आएगा, उसमें पोकेडेक्स और टेक्स नया से दो ऑप्शन है। तो डेक्स नेव यूज़ करके हम देख सकते हैं कौन से पोकेमॉन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ज़्यादा करके फेनिकिन अवेलेबल है, सिंडिक्विल है, बनल भी है, बहुत सारे हैं। फिलहाल तो हम किसी को, तो आपको, आप चाहते हो क्या कि मैं ऐसा एक डेक्स नेव का एक वीडियो बनाऊँ जिसमें हर रूट के वाइल्ड पोकेमॉन के मैं लोकेशन डाल दूँ? तो बता देना मुझे। वो पिछला वाला जो हम लोग ने कंप्लीट किया है एपिसोड्स, पिछले रूट्स, उसका डाल दूंगा वीडियो पहले, एक एज अ लास्ट फायर रेड स्पेशल। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बता देना आपको ये प्लान कैसा लगे।
फिलहाल के लिए तो हम ये कुछ अलग बंदा दिख रहा है मुझे वो, फिलहाल तो बाकी लोग से बहुत बात करते। ठीक है, वो तो सेम बात कर रहे जो ओरिजिनल फायर एंड में करते हैं। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दिस होल। ठीक है, नहीं तो नहीं, मगर मुझे मालूम है वो अल्ट्रा वर्मोल में गधे। साइकिक ट्रेनर है, मालूम नहीं होल कैसा है वो। ओके, ये प्रोफाइल देखना चाहती है, मैं अपनी प्रोफाइल कभी नहीं दिखा था किसी को, प्राइवेट है। ओके, आई विल स्टे हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो मैं तो यहाँ से हिलने नहीं वाली। हमने हिल किया क्या? हाँ किया, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं, वो तो अभी हिलने नहीं वाली। जिगली पफ से मैं बात करूँगा। फ्रीज नहीं हुआ ना? नहीं, मुझे लगा फ्रीज हो गया, क्योंकि क्लाउड वाइट 2 में हम लोग ने देखा था ऐसे ही वाइल्ड पोकेमॉन से अगर बात की तो गेम फ्रीज होता है। ओ हो, रॉम स्प्राइड लगता है ये भी। रिमेंबर टू सेव योर गेम रेगुलरली। मालूम है मुझे कि बहुत लोगों ने, आई थिंक ज्योति कौशिक नाम का एक सब्सक्राइबर है, उसने भी बहुत कमेंट किया कि ये ग्लिच है वो ग्लिच है। आपका शुक्रिया और सब कमेंट्स के लिए। वैसे तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तो एक प्रकार जब तक मैं खुद वो ग्लिच एक्सपीरियंस नहीं करता तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो आप कितना ही बताओ कि यार उसको टच मत कर, पागल है क्या, उसको टच मत कर, मैं टच तो करने वाला हूँ। क्या बोलते हैं उसको, जब खुद के ऊपर आता है तभी बात बनती है, तो जब खुद के ऊपर आएगा। इधर हिडन आइटम रहता है ना ओरिजिनल गेम में, साला निकाल दिया गया ये भी। छी, आगे तो नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो वापस जिम की तरफ लेके जाएगा। चलिए पोकेमार्ट देख लेते, कुछ है क्या सेल? शायद हमारे पास वो एक क्रिस जेम है, वो सेल कर देते, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, मैंने देख लिया था पिछले एपिसोड में। और हम लोग पोशंस वगैरह सब स्टॉक करके रखते हैं, पाँच पाँच ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा रखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में मिल ही जाएगा। इसके प्रो फिलहाल 2 रखते हैं, अगर केवीबी में फंस गए तो काम में आ सकता है। 10 रिपेल बहुत हो गए, माउंट मून के वक्त जाएंगे तब और ले लेंगे। रिपेल हमेशा टॉप पे रहेंगे, और एस्केप रोप रहने दो, एस्केप रोप के लिए ठीक है। ठीक है, और ब्रॉक खड़ा है जिम के सामने, मतलब जिम के अंदर तो शायद नहीं जा सकते, तो म्यूज़ियम देखना ही पड़ेगा पहले शायद, मालूम नहीं। एक पोके बॉल मिला, मैंने बोला इधर हिडन आइटम है, उन्होंने वो तो साला निकाल दिया है। ठीक है, 50 रुपये देकर हम आपका म्यूज़ियम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। बच्चों से बात करेंगे, कोई किसी के पास कुछ है मुझे देने के लिए, कुछ भी मून स्टोन दे दे भाई। ऐसा तो पोकेमॉन नहीं है फिलहाल जो मून स्टोन से इवॉल्व होता है मेरे पास, मगर पकड़ तो लूँगा ना यार। इसमें ईवी एवोल्यूशन कब तक है मुझे बता देना कमेंट करके, मतलब ग्लेशियन लिफियन इवॉल्व कर सकते हैं या नहीं, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा उसके बाद ही वो हो सकता है, ऐसा कुछ रहेगा तो बता देना। तो हम अभी ये जाएंगे प्यूटर सिटी पोकेमॉन जिम लीडर ब्रॉक को हराने के लिए, और रॉक सॉलिड पोकेमॉन ट्रेनर ऑटो व्हाट। हाई, यू आर न्यू ट्रेनर, सो यू नो द रूल्स, यू नीड टू बीट 3 ओपोनेंट्स टू नो इफ यू डिजर्व टू फेस मी और नॉट। आई विश यू गुड लक। ठीक है, चला आता हूँ मैं तेरे पीछे पीछे। हे, डू यू वॉन्ट टू ड्रीम बिग? डू यू डेयर टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग द पोकेमॉन चैम्प? आई एम नो ट्रेनर बट आई कैन एडवाइस यू टू हाउ टू विन। लेट मी टेक यू टू द टॉप। यस, ऑल राइट, लेट्स गेट हैपनिंग। ये तो बेसिक है, हम लोग को मालूम है, चलिए चलते। 3 ट्रेनर को हराना है ऐसा ब्लॉक ने बोला है, ऊपर उनके पोकेमॉन भी हमारे लेवल के ही रहेंगे, मतलब अगर ब्लॉक के वक्त फ्रॉगाडियर 23-22 तक रहेगा, बाकी 20 पर ही रहेंगे तो भी हमारा ओपोनेंट के पकवान सब 23 पर 22-23 पर रहेंगे, बाकी अगर 20 पर रहे तो भी बायनकल 20। रेजर लिफ रियलिस्टिक लग रहा है, रेजर लिफ क्रिटिकल हिट। मुझे कमेंट भी किया था एक ने, उसके चैनल का नाम है हरमिनियो अलोला ए जी, उसने कमेंट किया था कि अच्छा हुआ कि आपने बल्बसॉल इंग्लिश में किया था कमेंट, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, चलो इंग्लिश में बता देता हूँ। दैट्स गुड यू चूज बल्बोसॉर, दैट्स माई लीस्ट फेवरेट स्टार्टर।
अब ये लेट्स प्ले देखने में और मज़ा आएगा। ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अगली अगली सेकेंड लाइन, उसने इतना ही कमेंट किया था कि लिस्ट फेवरेट पोकेमोन है उसका बल्बसॉर, और मैंने वही चूज़ किया है, तो ये लेट्स प्ले देखने में और मज़ा आएगा क्योंकि मैं फायर टाइप के लिए किसी और पोकेमोन के साथ जाऊँगा। ओह शिट, अरे यार गाली आता है साला मुंह में, शायद पीछे जाना पड़ेगा। रॉक टूम इतना डैमेज देगा इतना मुझे लगा नहीं था, मैं लगा ठीक है 20-20 तो दे दे, 40 का डैमेज दिया उसने। हाँ हिपोपोटस के पास शायद सैंडस्ट्रीम मोबिलिटी है, लगा ही मुझे वाटर पल्स से हराना ही पड़ेगा। चलिए गया हिपोपोटस तो गया, चलिए हरा तो दिया उसको। मैं जाके पहले हील करके आता हूँ, मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, जस्ट लाइक बाबू भैया सेज, कोई रिस्क चाहिए ही नहीं, पोशन खाली पकड़ के वेस्ट हो जाएंगे, और इजीली हरा दूंगा वो तो अलग ही बात है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सो यू आर हियर, आई एम ब्रॉक, आई एम प्यूटस जिम लीडर, माई रॉक हार्ड विल पावर इज एविडेंट इवन इन माई पोकेमॉन, माई पोकेमॉन आर ऑल रॉक हार्ड एंड हैव ट्रू ग्रिट डिटर्मिनेशन, दैट्स राइट माई पोकेमॉन आर ऑल रॉक टाइप। हो हा, यू आर गोइंग टू चैलेंज मी नोइंग दैट यू शुड लूज, दैट्स द ट्रेनर्स ऑनर दैट कंपेल्स यू टू चैलेंज मी, फाइन देन शो मी योर बेस्ट। हाँ वैसे तो मैं हारूंगा नहीं, बट नंगा ब्रॉक या आपला क्या म्हणतात त्याला ते मराठीत उघडा ब्रॉक, पैंट तो पहने उसने, अरे यार सबके पास स्टडी एबिलिटी रहेगी डेफिनेटली। बाप रे सी मूव कॉन्टिनेंटल क्रश, सरवाइव नहीं करेगा शायद, आ कर लिया, पोशन यूज़ कर रहा है, पोशन के साथ तो जाएगा वो। हमारे पास वैसे भी नॉर्मली हम जी है, तो जी मूव यूज़ करके तो कोई फ़ायदा तो नहीं है, मगर ठीक है। टायरेंट यूज़ कर रहा है, टायरेंट तो ड्रैगन टाइप भी है पार्टली, मगर फिर भी वाटर पल्स के साथ जाऊँगा, शायद उसके पास स्टडी एबिलिटी ना। शिट रॉक टू हश सर्वाइव, ब्रॉक और एक पोशन यूज़ कर रहा है उसके ऊपर, क्रिटिकल हिट, टायरन गया, अच्छी बात है। रॉक क्रफ यूज़ कर रहा है, ए भाई लोग, भाई लोग अभी बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, रॉक क्रफ का मिडनाइट या डस्क फॉर्म रहेगा तो मुझे बता देना, मुझे पकड़ना है कुछ भी करके। यार सोर्स में भी हम लोग ने पकड़ा था, मगर डेमो ख़त्म ही हो गया हम लोग का, तो उसको इतना यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। 23 या 24 तक मैं लेवलअप कर चुका था उसको वैसे भी, ये डबल टीम यूज़ करने वाला था क्या पागल साला। ठीक है मेरे पास कोई चारा तो नहीं है, मुझे ब्रेकनेक के बीच सी मूव यूज करना ही पड़ेगा। डजेंट डू एनीथिंग फ्लेम, अरे हिट हो रहा है तो भी अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक काम कर कुलावा एम्बर यूज कर, रॉक थ्रो, अरे यार सब अवॉइड कर रहे हैं, वो भी अवॉइड कर रहा है, मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। वाटर पल्स, अरे बाप रे गया, ये बैटल गया, पहला अटेम्प्ट तो गया बैटल का, उसने डबल पी टीम में मार दिए पूरी, गया दोनों मिस कर रहे थे, दोनों कंटिन्यूअसली मिस कर रहे हैं, शर्म भी नहीं आती दोनों को। चलिए अंध भला तो सब भला, आई टुक यू फॉर ग्रांटेड एंड सो आई लॉस, एज प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री आई कन्फर यू दिस द ऑफिशियल पोकेमॉन लीग बोल्डर बैच। तो बोल्डर बैच तो हम लोग को मिल चुका है ब्रॉक की तरफ से, जस्ट हैविंग द बोल्डर बैच मेक्स योर पोकेमॉन मोर पावरफुल, इट ऑल्सो अनेबल्स द यूज ऑफ द मूव फ्लैश आउटसाइड ऑफ बैटल, ऑफकोर्स अ पोकेमॉन मस्ट नो द मूव फ्लैश टू यूज इट। इसका मतलब पोकेडेक्स कंप्लीट करना पड़ेगा क्या एचिम्स लेने के लिए? वेट टेक दिस विथ यू, टीम नया मिला हम लोग को, अ टी एम टेक्निकल मशीन कंटेन्स अ टेक्निक फॉर पोकेमॉन यूजिंग अ टी एम टीचर्स द मूव, मालूम है टी एम रत्न रॉक टूम है। ओके सर्विलियन सिटी जाने का सजेशन हम लोग को मिल चुका है, चलिए हील अप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते, एटलीस्ट हम माउंट मून की तरफ तो बढ़ सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते भाई। रिडन आइटम है क्या या रॉक्स चेक करना पड़ेगा भाई बार बार ऐसा, क्या बोलते हैं उसको। और एक और अल्ट्रा वर्म होल है यहाँ पर, और यहाँ पर कर लिया है, गाड़ी बार यूज़ कर सकते हैं हम, ऑलरेडी बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ मैं। ऊपर कैसे जाए, ऊपर जाने का कुछ तो रास्ता होगा, कुछ नहीं कर सकते। ओ ऑरेंज बेरी मिली, हिडन आइटम। ओके तो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग के ट्रेनर को डॉच कर सकता हूँ यहाँ से, मगर मैं डॉच नहीं करूँगा, क्विलावा को ही यूज़ करूँगा मैं। फ्लेम व्हील बहुत डैमेज होता है वाटर पल्स से कंपेयर किया तो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मुझे लगा वल्पिक्स यूज़ करा तो अपना कैंटो वाला रहेगा, तो मैंने लगा यार गलत डिसीजन। क्यूटी फ्लाई बग टाइप है। हाँ डायरेक्टली सिल्वर में फ्लेम बिल तो भेज देगा उसको, क्यूटी फ्लाई को वापस पॉकी बॉल में उसके। ठीक है उतना तो कुछ डिफिकल्ट अभी तक कोई ट्रेनर मिला नहीं है, और फ्लेम बिल अच्छा है एम्बर से, तो इसलिए मुझे शायद टेंशन नहीं हो रहा है उतना। इजीली हारा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विश ऑल B22 पे ग्रू हो चुका है पाइन को, सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रॉक यूज़ मत करना, मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा हील करने के लिए। टेक डाउन बिग डाउन कुछ भी यूज़ कर, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है पाइन को भी गया, चार्ज अब इलेक्ट्रिक टाइप है पार्टली, ठीक है टेंशन नहीं उसका भी। पैरालाइज मत कर दे, सिर्फ एक्रोबैटिक्स, एक्रोबैटिक्स का वही एडवांटेज है, अगर हेल्ड आइटम कुछ नहीं रहेगा तो एक्रोबैटिक्स का डैमेज डबल पड़ता है। फ्रोगाडियर भी 23 पर, राउंड सीख रहा है, राउंड क्या है। द यूजर अटैक्स विद अ सॉन्ग, विद अ सॉन्ग अदर्स कैन ज्वाइन इन डूइंग मोर डैमेज, तो शायद ये उसके लिए काम आता रहेगा, डबल बैटल या ट्रिपल बैटल हुआ तो। ठीक है फिलहाल तो सिखा देता हूँ मैं, मुझे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। फ्लेम व्हील फास्ट है कुलावा, अच्छी बात है, और गया बटरफ्री, बग कैचर को भी हरा दिया हम लोग ने। हाँ डिड यू टच मी, हाँ टच तो किया क्योंकि बैटल करना है। स्प्रिट जी फेरी टाइप भी है, फ्लेम व्हील के साथ ही जाऊँगा मैं, रिस्क लेना ही नहीं चाहता मैं। काम माइंड नंबर, एक कोड वॉइस गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। वाटर पल्स सो क्लोज यार, सो क्लोज, ड्रेन के शायद वो अपना हेल्थ रिस्टोर कर लेगी। अरे अबे यार साला मेरा पोकेमोन कंफ्यूज होता है, साला मेरे पोकेमोन की डबल एक्सपी जाती है। हर्ट इट सेल्फ, हर्ट इट सेल्फ, हट। आई विश 23 पे ग्रो हो चुका है, स्वीट सेंट तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है एक और को हरा दिया, और शायद वो बक ट्रेनर है उधर, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं हिलअप करके आता हूँ ताकि क्विलावा को ही मैं बैटल में भेज सकूँ। और मैं यहाँ से जा चुकी है, इसका मतलब माउंट मून में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। टीम रॉकेट तो ओरिजिनल गेम के हिसाब से रहते ही वहाँ पर। अभी टीम एक्वा और टीम मैग्मा भी आई है, मैग्मा मैग्मा, तो शायद कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा वहाँ पर भी। चलिए इनसे भी बैटल कर लेते हैं। वर्ली पीड पॉइजन टाइप है, पॉइजन पॉइंट एबिलिटी भी है। पॉइजन अरे बाप साला क्रिटिकल, मैं मारता हूँ तो साला कुछ नहीं। ये देख पॉइजन पॉइंट भी कर दिया। 24 पे क्विलावा डिफेंस कर, चिंदी मूव नहीं सीखते हम लोग। और मैट डॉन आई थिंक वो भी बग टाइप ही है, बग टाइप एंटिसिपेशन एबिलिटी उसकी। गया एक और फ्लेम व्हील में, एक और गया फ्रोगाडियर 24, निंजास्क निंजास, अरे तू पहले से फास्ट रहता है और उसमें तो एजिलिटी यूज़ कर रहा है, स्पीड बूस्ट एबिलिटी भी है। क्रिटिकल हिट के साथ निंजास भी गया, खिलावा 25 पर। ओके पहले तो मैं एक पोशन यूज़ करूँगा, सॉरी मैं वापस पीछे नहीं जाना चाहता, वैसे भी जाना पड़ेगा ही मुझे पीछे क्योंकि माउंट मून में अगले एपिसोड में बढ़ने से पहले हम लोग को स्टॉक करके रखना पड़ेगा सब कुछ। फिलहाल तो बैटल पे फोकस करते हैं और माउंट मून की तरफ जो पोकेमॉन सेंटर है वहाँ पर जाने का ट्राई करते हैं।
थंडर वेव पैरालाइज हिल हमने स्टॉक करके रखा है, मैं तुझे बाद में हील कर दूंगा, टेंशन मत ले तू। अटैक हार्शली फेल, पैरा चार्ज, पैराबोलिक चार्ज, ओके। अटैक ठीक है, तेरा अभी चार्ज उतारता हूँ मैं। चिंदी मूव्स यूज करो सालो डरपोक। ऐसे खेलना पड़ेगा तो जाए भी सर, पैरालाइज हिल तो मैं दूंगा ही नहीं, फिर वापस वो थंडर वेव यूज करेगा चिंदी मूव। अब जो मुझे पसंद नहीं वही मुझे करना पड़ेगा, मुझे उसको पॉइजन ही करना पड़ेगा। चुपचाप खेलना चाहता था मैं रेजर लीफ और इसके साथ, ज़्यादा ही घमंड है। पैराबोलिक चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, अभी तो कुछ मिलेगा भी नहीं पैराबॉलिक चार्ज यूज करके, पॉइजन में ही चला जाएगा। तो शुक्रिया माइम जूनियर, ये ले बच्चा, थोड़ा सा लिख, थोड़ा चाट लो तुझे। वाटर पल्स के साथ जाऊंगा अभी, क्या क्या यूज करे भाई, लाइट स्क्रीन रिफ्लेक्ट सब है क्या? साइबीम, ठीक है, गया तो कम से कम। ओके, यहाँ से नीचे तो कुछ है नहीं, आइटम्स भी नहीं है। और ट्रेनर अभी भी है, ट्रेनर की लगता है क्वांटिटी भी बढ़ाई है, क्योंकि रूट वन पर, रूट टू पर वैसे ट्रेनर नहीं रहते जब हम विरिडियन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इस गेम में थे, इसका मतलब शायद क्वांटिटी बढ़ा दी है ट्रेनर की क्रिएटर ने। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग हील करके, विदाउट हीलिंग नहीं जाएंगे किधर भी। ऑटो आने पर नहीं चाहिए मुझे, डिसेबल ही रहने दो। और हिडन आइटम रहेगा इधर, देखते हैं। यहाँ पर एक पेट्रैट भी है, अगर आप एच एम स्ले वगैरह देख रहे हो, डाल दूंगा ये वीडियो। ये वीडियो एक्चुअली आज आ रहा है, आज बुधवार है, मगर मैं जो बोल रहा था, जो वीडियो आएगा डेक्सनेव का रूट्स के बारे में, वो एक वीडियो तो कल ही आएगा। अरे चाइला हट, मुझ पे रॉक जमाता है आज, कराएगी। चलो फकाड़ यार बच्चे, जा बैटल में। बाप रे बाप रे बाप रे, 25 लेवल, ये भी टोटम है क्या? चल कंफ्यूज तो कर दिया, ये तो अच्छी बात है। अरे खुद को डैमेज देना भूसड़ी के साला, मेरा पोकेमोन जब कंफ्यूज होता है साला खुद को ही डैमेज देता है बहुत बार। हट, 25 पे अभी फ्लोगाडियर भी, हाँ आईविसोर 24 पर। आपको क्या लगता है क्या डिफिकल्टी हो सकती है माउंट मून की? 27 28, मतलब डिफ़िकल्टी कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने मेरे पोकेमोन 100 पे लेके गया तो वो भी 100 के ही लेके आएंगे, मगर एक बोल रहा हूँ मैं। अरे गया, ये बैटल भी गया, वापस पीछे जाना पड़ेगा। इतने साला ट्रेनर प्लान करके क्यों रखे, साला क्रिएटर है क्या, हैकर है? इतना ट्रेनर कौन रखता है भाई बीच में? दे भाई हील करके दे, खत्म करना चाहता हूँ मैं, उस तक पहुंचना चाहता हूँ। ये ओरिजिनल फायर रेट रहता तब तक माउंट मून भी हो चुका होता मेरा। जानता हूँ डिफिकल्ट गेम है, एक्साइटिंग है ओरिजिनल गेम से, मगर इतना फालतू। ये सारा एक विंग अटैक 19 25 लेवल का है वो भी, और फिर भी एक विंग अटैक में जा रहा है मेरा पोकेमोन भी। साइथर, इसमें एवोल्यूशन कैसे कुछ मालूम है क्या? मतलब अरे तुझा आइला, चल बेशरम। सुकून
सुपर पोशन चाहिए यार, सिर्फ पोशन से घंटा कुछ नहीं होगा ये गेम में। दो पोकेमोन तो ऐसे ही मार डालने पड़ेंगे क्योंकि अगले पोकेमोन को हिल अप करना है पोशन लेकर। तो जा वाटर पल्स के साथ ही जा। एक को तो हरा दिया कम से कम। क्विलावा 26, ये भी ट्रेनर है नीचे का बच्चा। ये देखिए दो पोशन तो ऐसे ही वेस्ट कर दिए मैंने। इतने ट्रेनर तो ओरिजिनल भी गेम में नहीं थे यार, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। फ्लेम व्हील, ओह क्रिटिकल हिट, ये अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत देते हुए। यहाँ पर पोकेमोन तो है नहीं और ना ही कुछ आइटम्स है। रूट 3 माउंट मून, अच्छा क्या बात, माउंट मून, ओह शिंक्स है यहाँ पर। बहुत बहुत टाइम पास, मैं पकड़ लेता हूँ उसको। टैकल में अगर बच गया तो, बच भी गया। हील बॉल के साथ पकड़ता हूँ। देयर वी गो, अभी एक इलेक्ट्रिक टाइप भी हमारे टीम में हो चुका है। ओ व्यू, आई बेटर गेट टेक अ रेस्ट। ओके सो टीम रॉकेट का एंट्रेंस है अभी अगले एपिसोड में। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, अगली बार यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपके पास कोई सुझाव है गेम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बता देना। और मेरा जो आइडिया है टेक्स नया का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बता दूंगा कौन से रूट पे आप कौन कौन से पोकेमॉन पकड़ सकते हो, अगर आपका अच्छा लगे तो वो भी बता देना। तो मैं वो एक ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ वीडियो, वो मैं कंटिन्यू रखूँगा, बंद नहीं करूँगा। तो कैसा लगेगा आपको ये वीडियो, लाइक करके बता देना, कमेंट करके बता देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।